हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग। घड़ी में हो रहे हैं 8:10 और मैं जस्ट अभी बाहर से आई हूँ। अचानक मैं बैठी हुई थी तो चूँकि मैं लगातार इन दिनों कुछ वॉच कर रही थी और मैं 3-4 ब्लॉग चैनल देखती हूँ लाइव लाइफ में जो होता है वो मैं देखती हूँ, तो उसमें 2-3 चैनल जैसा कि मैं सब्सक्राइब करके रखी हूँ, मैं बार बार रिएक्शन दूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं किन चैनलों को सब्सक्राइब करके रखी हूँ। और अभी रिसेंट में मैंने छोटू आरती पर रिएक्शन मैं खुद का डाली थी, और अभी रिसेंट में मैं एक चैनल हमेशा से देखते आ रही हूँ और उसमें एक लड़की है सितारा यासीन, लड़की नहीं औरत है और बहुत प्यारी सी है और बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। और वो पाकिस्तान कराची की है और मुझे जहाँ पता चला है वो चैनल है फिटनेस फैमिली, जो पायल मलिक, अरमान मलिक, कौन नहीं जानता उन लोगों को, और उनकी भी फैमिली बहुत अच्छी है। तो आज मैं ऐसे बैठी हुई थी तो अचानक से रैंडम अभी जस्ट मैंने फिटनेस फैमिली का ब्लॉग देख के रखी ही थी कि फिर एक ब्लॉग अपलोड हो गया, तो उसमें सीरियसली जो मैटर मुझे लगा था एक दिन पहले मैं भी उस चीज़ को नोटिस की थी, तब तक मैं पायल जी ने उस पर रिएक्शन अपना खुद दिया है। पायल जी को तो पहले थैंक यू कि आप सही जगह पे आप आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि मैंने आपका एक रिएक्शन और देखा था, एक ब्लॉग था अर्जुनी ब्लॉग जिसमें कुत्ते को लेकर जो काफ़ी बहस चला था, तो मैं पर्सनली वहाँ पे भी जाकर मैं सपोर्ट जहाँ तक कमेंट के मार्फत हुआ था मैं की थी और ट्विटर रैंक पे भी की थी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, सितारा यासीन नाम से ही एक ब्लॉग है और वो पाकिस्तानी औरत है, रहती हैं पंजाब में और पंजाब में आई हुई हैं। तो उनके पति की 2 शादी हुई है जिसमें मतलब बहुत बचपन में एक शादी हो गई थी और फिर छोटा छोटी हो गया था, फिर सितारा यासीन से शादी हो गई थी। सितारा यासीन के शादी के 9-8 साल बाद शायद फिर से वो पुरानी वाली वाइफ से शादी हुई है पिछले ही साल, और वो प्रेग्नेंट थी और सितारा यासीन खुद की कोशिश से गांव में, चूँकि जहाँ पे वो लोग रहती हैं सुविधा बहुत कम है, जो कि सितारा यासीन का खुद का 2 बच्चा उसी गांव में हुआ है और उस टाइम पे कोई सुविधा नहीं था, और सितारा यासीन भी मेरे ख्याल से उस समय में मुझे नहीं लगता है कि जो अभी स्थितियां हैं जो उस टाइम पे होंगी उनकी पर्सनली। तो अभी मैंने जो खुद से नोटिस किया है कि जो कौसर है उसके रूम में एसी लगा हुआ है, फ्रूट है, फ्रीज है, और जो एक बच्चे जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनको जितना भी ज़रूरत का सामान होता है वो सब कुछ दिया हुआ है। बार बार लोग सितारा यासीन पे उंगली उठाते हैं, उनके ही रिलेटिव, उनके ही गाँव वाले लोग, कि सितारा यासीन को कराची ले जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने ब्लॉग में काफ़ी बार लगातार बोली है कि वो कौसर को बोली चलो मैं कराची में ही तुम्हारा बच्चा वहीं होगा। कौसर खुद से इनकार की थी और कौसर का कहना था कि पंजाब में हमारी पूरी फैमिली है, मायके के तरफ से मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो उसमें कसूरवार सितारा यासीन कैसे हो गई। और मैं ये एक रिएक्शन क्यों दे रही हूँ तो मैं पहले बता दूँ आपको, चूँकि कौसर को 2-3 दिन पहले बेबी हुआ था, बेबी बॉय हुआ था, और 2 दिनों के बाद वो एक्सपायर कर गया। मेरी संवेदनाएँ हैं कौसर के साथ, कौसर की पूरी फैमिली के साथ, या सितारा यासीन के साथ। ईश्वर ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े, जब ईश्वर बच्चा दे देता है तो उसे छीने ना, और उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो तभी पूरी जीवन जिले। एक माँ पे क्या गुजरता है, एक पिता पे क्या गुजरता है, एक परिवार पे क्या गुजरता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो, और इस मृत्यु वाले समय पे सितारा यासीन के साथ इस तरह बदतमीजी भरा, बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं कि सारी गलतियां सितारा की थी जिस वजह से बच्चा का देहांत हो गया, बच्चे के सही इलाज नहीं हुई। तो हम लोगों ने भी ब्लॉग के मार्फत से देखा है, सितारा जैसे बच्चा हुआ बहुत खुश थी, सितारा 2-3 घंटे ऑपरेशन शायद नॉर्मल हुआ था, बच्चे गाड़ी में बैठ के वेट बरांडे पर बैठ के वेट की थी, बच्चा हुआ था तो अपने बेटे से बोली तुम्हारा भाई हुआ है, उन्होंने बच्चों गाँव के बच्चों के साथ मिठाई बाँटा, खुशी इजहार किया, अपने पति को बोली आज तो बहुत खुश होंगे, और बच्चे को ले जाके सही ट्रीटमेंट कराती है। वो रब के मंजूर में नहीं था वो बच्चा कि वो बच्चा रहे, उसकी
आयु 2 ही दिन की थी, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। जब जीवन और मरण वो ईश्वर के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और कौसर के माता पिता एक दिन पहले ही, डिलीवरी से एक दिन पहले ही उसे मायके ले जाते हैं। उनका जो फैमिली इशू है, हमेशा से सितारा यासिन पे उंगली उठाया जाता है, तुम्हारे वजह से वो, तुम्हारे वजह से ये। अरे कुछ भी नहीं, वो औरत तो दिल पे पत्थर रख के अपने पति का शादी कराती है, बच्चे मतलब उसको ठीक है। आप एक, वो सितारा क्या चाहती है कि हाँ हम अलग रहे, अपने बच्चों को हम खुद देखें और वो भी अलग रहे। वो तो कभी ऐसा नहीं है कि वो अपने पति को रोकती हो, कभी नहीं। वो पति, ये तो इनफैक्ट इतने एक मतलब 20 दिनों से कौसर के साथ में थी, कौसर के माता पिता आए और लेके चले गए, ये तो खराब बात थी। और मैं सभी सितारा यासिन के ब्लॉग देखने वाले से आग्रह करती हूँ, जो उनके लिए निगेटिव वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, कि पहले आप बातों को समझे। वो एक लड़की है सितारा यासिन, और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि किसी का बच्चा का देहांत हो जाए, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई और हो। और वो छोटा सा बेबी जो हुआ ही था, जिसकी खुशियाँ स्टार्ट ही हुई थी, और वो उसका देहांत हो जाता है, सबको दुख हुआ होगा। और इस समय पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना जायज़ कहीं से नहीं है। तो ब्लॉग देखकर ही कमेंट करें, और ब्लॉग देख के ही किसी पर मात्र व्यू के लिए रिएक्शन देना, आप गुड थिंग्स के लिए रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन निगेटिव फैला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ बार बार पायल का, मैं पायल जी का, जिसने इस चीज़ को उठाया और मेरे माइंड में भी आया। अगर 10 लोग निगेटिव थाट्स फैलाने वाले होते तो 10 लोग पॉजिटिव वेब्स भी फैलाने वाले होते हैं। तो मैं इस अपने ब्लॉग के माध्यम से सितारा यासिन को हिम्मत देती हूँ कि आप जो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, अपने फैमिली का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, इनफैक्ट कौशल का भी ख्याल रखती हैं। आप दूसरों के बातों पे अपना दिल छोटा ना करें, अपने दिल को दुखी ना करें, और अपने कामों पे फोकस करें। बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे। और इस वीडियो के मार्फत मैं कौसर से भी यही कहना चाहती हूँ कि कौसर, आपकी सितारा यासिन आपके लिए बहुत अच्छी है, और आप लोग मिलजुल के रहिए, यही मैं कहूँगी। और थैंक यू सो मच। यदि अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँचता है सितारा जी, तो आप लोग मेरे तरफ से बहुत बहुत, पहले तो बधाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके घर में इस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग हिम्मत रखें और फिर से अपने कामों पे लग जाएं। और बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग कराची चले जाइए, आप लोग को यहाँ पे जितना ताना सुनने मिल रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। और पायल मलिक जी को भी बहुत थैंक यू, जो आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।